एक्सेलेंसी आपका स्वागत है। वैसे भारत आपके लिए नया नहीं है, पहले भी आपका आना हुआ है। बहुत ही आपकी हर यात्रा भारत के लिए हमेशा बहुत ही उत्साहजनक रही है, लेकिन इस बार आप एक नई जिम्मेवारी के साथ पहली बार भारत आ रही हैं। यूरोपियन कमीशन का अध्यक्ष पद स्वीकार करने के बाद आपका भारत आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपका देश से स्वागत करता हूँ। मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि रायसीना डायलॉग के लिए आपने समय निकाला, क्योंकि वर्तमान समय में रायसीना डायलॉग में आपकी बातचीत वो सिर्फ भारत के इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक वर्ल्ड के लिए तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे विश्व का ध्यान रहेगा कि आज आप हमें क्या संदेश दे रही हैं। दुनिया जरूर उत्सुक है आपको सुनने के लिए। मैं विशेष रूप से इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि कोरोना के कारण और बाकी स्थितियों के कारण हमें 2-3 बार डेट बदलनी पड़ी, लेकिन फिर भी आपने अपने कमिटमेंट को बराबर वो किया और आज आप हमारे बीच हैं, इसलिए मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। एक्सेलेंसी, भारत का और यूरोपियन काउंसिल के साथ पिछले दिनों हमारी वर्चुअल समिट का मौका मिला था। इंडिया यू का अगर हम रूबरू में मुलाकात कर सकते, मीटिंग कर सकते तो अच्छा होता, लेकिन इस पैंडेमिक के चलते उन चीज़ों को हम नहीं कर पाए, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्द हम फिर से रूबरू मिल करके बहुत ही निकट संवाद करेंगे। मुझे खुशी है कि हमारे विदेश मंत्री जब आए थे तो आपने बहुत ही अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज की और भारत के साथ चर्चा करने का एक अच्छा अवसर आपने दिया था, और इसलिए भी मैं समझता हूँ कि आपके नेतृत्व में भारत और यू के संबंधों को एक नई ऊंचाई मिल रही है, संपर्कों के नए क्षेत्र खुल रहे हैं और ये हमारा सहयोग और अधिक हमारे संबंधों को आगे बढ़ाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। तो फिर एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। Thank you very much, Prime Minister, and it's a pleasure to visit India again and to see you, meet you again. So thank you very much for the very warm welcome. And indeed, this year marks the 60th anniversary of the EU-India relationship. And I think this relationship is today more important than ever. We have a lot in common. We are vibrant democracies. We are strong supporters of the international rules-based order. We are large economies. And we have a lot in common, but we are also facing a challenging political landscape. And therefore, I highly appreciate that this meeting here is possible today, and I'm very much looking forward to the Rezina dialogue indeed. We will have many topics to discuss, from security to the fight against climate change, but certainly we will look also intensively at technology, digitalization, and trade. And there I'm very glad that you, Prime Minister, and I agreed to put in place a Trade and Technology Council. The European Union has only one Trade and Technology Council in place, and that is with the United States. And I think, therefore, it is telling that it was so important for us to put up a second Trade and Technology Council with India.